दतिया में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं भरतपुर में जिगना तक टू लेन डामरीकरण सड़क को स्वीकृति दी गई है। इसमें रीवा शहडोल रोड छुईया घाट के अंधे मोड़ की चढ़ाई पर जाम से मुक्ति मिलेगी। इस सड़क के लिए 178.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम ने 11 अक्टूबर को उज्जैन में शिव शक्ति सृष्टि का उद्घाटन करने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की गई है। इसके साथ ही सीएम ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर मंत्रियों के दौरे को लेकर जानकारी ली। में आज दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दतिया के अंदर दी गई है। इसमें जो ड्राइवरों के हेतु प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे, इसमें 30 करोड़ उपकरणों के लिए रखे हैं और 90 लाख रुपए, इस प्रकार 31 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव पर भी सहमति दतिया के लिए दी गई है।